सर हम इसलिए आया था कि आपका यहाँ पे पुतम सर ने, डीसी सर ने बोला कि आपका यहाँ पे भी जाने के लिए, क्योंकि सर आप सेक्रेटरी है ट्रांसपोर्ट का, इसलिए मैं सर उम्मीद लेके आए हैं कि आपको भी रिपोर्ट अभी आप खुद भी देगा सर। दूसरा स्टेट जो मैंने जितने भी कलेक्ट किया वहाँ पे बहुत कम है, तो हमारा अभी तक जितना भी हम कलेक्ट किया अरुणाचल में हाई स्टेट, तो सर आपका यहाँ पे पुतम सर ने फॉरवर्डिंग कर दिया लेटर को, लेकिन अभी तक फाइल कैसे चल रहा है सर? तो अभी ऐसा है, लाइक आई हैव स्पोकन इन फ्रंट ऑफ यू टू डायरेक्टर, तो वी हैड कॉम्प्राइज ए बोर्ड, और हमारा जॉइंट डायरेक्टर जो है वो, और डीटीओ कैपिटल और डीटीओ यूपिया, वो तीनों को एक स्टडी करने के लिए डायरेक्टर ने वो बोर्ड बना के दिया है, एंड दैट रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड। उनका मुताबिक भी आवर चार्जेस आर मोर देन द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो दैट फाइल विल बी प्रोसेस। अभी हम लोग विल टेक ए कॉल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और फाइल में हम ले लेंगे। सो यू हैव विथ यू इस मणिपुर का है, सब ये आसपास का है, मुंबई का है, मुंबई दिल्ली का है, सो गोवा का है, एंड देन वील कलेक्ट फ्रॉम द असम ऑल्सो, असम और मेघालय का भी हम लोग ले लेते हैं, एंड देन असम का भी है ना, तो वील एट पार विथ अदर्स, वाई शुड द कॉमन पीपुल सफर? वी विल टेक ए रियलिस्टिक स्टैंड ऑन दैट वन। और पता नहीं कब इशू हुआ था, मुझे याद नहीं, मेरा समय में तो इशू नहीं हुआ था, दैट हैज बीन कलेक्टिंग अभी, एंड देन वी ऑल्सो हैव बीन गेटिंग द फीडबैक सोशल मीडिया से, कहाँ कहाँ से फीडबैक मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा है बाकी स्टेट से लेकर, तो वील टेक ए रियलिस्टिक स्टैंड ऑन दैट वन। सर हमारा इमें केवल सर अभी कैपिटल के लिए सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ सर, अरुणाचल पूरा अरुणाचल में यही सेम रेट में जा रहा है सर। हाँ हाँ, अलो में बोलो, आपका जीरो में बोलिए, वहाँ भी ये रेट में हो रहा है सर। हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं सर आपका डिपार्टमेंट तो ये दिया होगा एक कैटेगरी वाइज, व्हीकल कैटेगरी वाइज तो एक टू फेयर तो दिया होगा रेट को, पोल्यूशन सर्टिफिकेट का सर। यस, तो उसका सर आपका पास तो रिपोर्ट होंगे, तो आप एजेंसी को कितने में लेने के लिए आपने बोला सर? आपके पास कुछ है? एजेंसी बोल के वी हैड इशूड ए नोटिफिकेशन, मेरा वो जो अभी डायरेक्टर ने मुझे इन्फॉर्म किया है, विच इज़ नॉट वेरी कंक्लूसिव, सो डी नो, वो हम पूरा शुरू से किस तरह के हम लोग इसको रीस्ट्रक्चर के कर सकते हैं उसको हम लोग करेंगे अभी, बिकॉज लॉस ऑफ थिंग्स यू नो, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड देन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड बिफोर ऑल्सो, तो विद द टाइम्स लॉस ऑफ थिंग्स चेंज, एंड स्पेशली इन द डेज ऑफ सोशल मीडिया, तो ऐसा नहीं होता, इन आइसोलेटेड में हम लोग नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा भी हो जाता था कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ अदर प्लेसेस, बाकी जगह में किस तरह का हो रहा है या कौन सा डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो डिसीशन में भी यू नो लाइक दे मस्ट हैव टेकन एट द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, लेकिन कभी कभी वो उतना एक्सेसिबल नहीं होने के कारण से कंपेयर में भी नहीं कर पाता था। बट नाउ वी गेट नॉट ओनली फ्रॉम आवर ओन ऑफिशियल जो हमारा इधर से है, उससे नहीं होकर हमारा पैरेलल इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है, यू नो लाइक अभी यहाँ में कुछ हो गया, अभी आपने जैसा ये किया, यू हैव गॉट ए, बहुत अच्छा से आप लोगों ने ये प्रेजेंट किया हुआ है कि यहाँ में पोल्यूशन के लिए PUCC के लिए इतना दे रहा है, वेर एंड देन वेर एज इन अदर स्टेट्स दिस इज इट, बोल के आप लोगों ने हमारा इसमें लाया है, एंड नाउ आई डिस्कस विद द डायरेक्टर ऑल्सो, वील मेक ए प्रॉपर जो स्टडी उन लोगों ने जो रिपोर्ट किया है उनको ये करके कंपेरेटिव बना करके वी विल डू समथिंग विच इज़ जल्दी कर देगा, विल ब्रिंग इट टू द नॉर्मल लेवल जहाँ में सब कॉमन आर्मी लोग दे सकेगा, उस तरह का हम लोग करेंगे। सर यहाँ पे अगर आप लोग का डिपार्टमेंट जो जैसे कि आप सर यहाँ पे हम लोग का 300 ले रहे हैं जी, तो अगर आपका डिपार्टमेंट से ऑर्डर दिया है तो उससे कम लेने के लिए, यानी कि 100 या 80 लेने के लिए दिया है, लेकिन एजेंसी वाला अगर आप उससे उसको ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप क्या एक्शन लेंगे सर? विल टेक, सी इट विल बी लाइक दिस, नाउ यू हैव गिवन द चैलेंज ऑल्सो, वट इज आवर रेट विल डू, तो अभी जो हमारा बोर्ड का जो रिपोर्ट है मेरा पास अभी आया नहीं है, तो आई हैव आस्क फॉर दैट वन, इफ दे आर चार्जिंग मोर देन व्हाट वी हैव प्रिस्क्राइब, तो जो हमने अगर किसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा कुछ, देर विल बी सम ये उसमें एग्रीमेंट में कुछ क्लोज होगा जहाँ में इफ दे डोंट फॉलो उनको कुछ पेनल्टी हो जाएगा, तो वील टेक ऑल दोस दैट इज एज पर द लॉ, उनको जिस तरह का पेनल्टी लेना वो ले लेंगे, इफ दे हैव बीन चार्जिंग मोर देन द प्रिस्क्राइब हमारा ये इसको रेट को प्रिस्क्राइब करके। तो सर वो उन लोग का व्हीकल ओनर लोग का क्या जाए सर, जो पहले से जो इतना हाई फी चार्ज पे कर रहा था, तो उन लोगों का क्या सर? तो उन लोगों का तो आई थिंक रीपे, तो आई डोंट नो इन केस इफ देयर हैज बीन रॉन्गली चार्ज,
देन वील हैव टू टॉक विथ हूएवर इज चार्जिंग, जो जो एजेंसी जो लोग कर रहा है उन लोग से हम लोग वट एवर सोल्यूशन वी कैन गेट वील ट्राई टू गेट देर वन, बट देन इफ देर हैज बीन एज पर द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तब तो देट वॉज वट एवर वॉज डन एज इट वॉज डन एज पर द एक्सिस्टिंग रूल, तो उसको तो हम लोग रिव्यू कर लेगा, जो हो गया उसको तो वी कैन नॉट रीपे एंड ऑल दोज थिंग्स, बट इन फैक्ट इफ दे हैव चार्ज मोर देन what they should have charged, then there is a way which we'll have to take a holistic view. So सबसे opinion लेकर ही हम लोग decision लेना पड़ेगा. सर आप तो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का है, आप सभी के लिए अरुणाचल के लिए सर हम चाहता है कि ये जो है ये केवल कैपिटल के लिए नहीं, केवल पूरे अरुणाचल के लिए हो. When we do it, it will be for all over अरुणाचल, सब अरुणाचल के लिए होगा, not for the capital. तो यहाँ में since population भी थोड़ा ज़्यादा है, people are also bit aware, action भी ज़्यादा होता है, तो यहाँ में ईटानगर में काफ़ी ये रह जाता है, मीन्स वेरी सेंसिटिव. एंड देन इनफैक्ट जो भी हो जैसा भी हो वी गेट द न्यूज़ फ्रॉम ईटानगर से ही ज़्यादा मिल जाता है. समटाइम्स गवर्नमेंट दस विद बेस्ट ऑफ द इंटेंशन, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल दैट इज नॉट बीइंग फॉलोड. तो हमारा गवर्नमेंट लेवल से भी कभी कभी चूक हो जाता होगा, तो इट्स गुड दैट वी गेट ए वेरी रेस्पॉन्सिव सिटीजन. और जो सिटीजन जब चलेगा तो गवर्नेंस विल बी नथिंग विदाउट सिटीजन्स पार्टिसिपेशन. इस तरह का अगर कंस्ट्रक्टिव सजेशन मिल जाता है रेस्पॉन्सिव, जो विच इज़ वेरी मैच्योर एंड देन जो वेल ऑथेंटिकेटेड, सब फैक्ट का साथ में अगर जो इंफॉर्मेशन जाता है, वील ऑलवेज रिव्यू आवर एक्सिस्टिंग रूल. सर ये आप जो अभी इसका सोल्यूशन जो कब तक आप देंगे सर, आप थोड़ा जनता को बताएंगे सर? See, you can come after 10 days and ask me again. Let's see. That will have to be taken on file. So file चलते चलते हमारे पास किस तरह के आएगा, आप एक बार आइए 10 दिन के बाद एक बार आइए, मुझे क्या हो गया पूछिए. जी सर, लेकिन सर आपको आखिरी में हम आपको ये सवाल करना चाहता है कि क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश में इतना 300 जो चार्ज कर रहे हैं वो उतना लेना चाहिए कि नहीं सर? See, pollution, exactly, I'll have to उनका जो क्या है उसको पूरा देखना पड़ेगा. But then seeing this and myself also having come from outside before, I was working outside, mere ko bhi to thoda zyada hi lag raha tha. It's good that when I pass through Itanagar Nahalagon, mera bhi connection hota hai. 300 mera to 200 pehle leta tha, I think. Then 300 abhi le raha hai. My private vehicle also hamesha charge karta rehta hai. I also have been wondering, so we have discussed it also, lekin aap log aap media mein leke aaya, and then really we have उसी में हमने ये करके हमारे बोर्ड भी बताया, एंड दे हैव सेड कि यस इट इज हायर देन रेस्ट ऑफ द स्टेट, तो बेस ऑन दैट वील टेक द डिसीजन. सर आप पूरा जो कैटेगरी है व्हीकल का ना सर, आप सभी में करेंगे ना, केवल सिर्फ बाइक टू व्हीलर? नहीं नहीं, सभी में करेंगे. वील हैव जिस तरह का, अगर टू व्हीलर होगा, फोर व्हीलर होगा, कमर्शियल होगा, ट्रक्स होगा, बस होगा, सबका जो अपना अपना कैटेगरी का मुताबिक है उसके मुताबिक से हम लोग करेंगे. लेकिन जी सर अभी का रेट से तो सर कम तो होंगे ना सर? सी अभी तो बोर्ड तो अभी आपके सामने में मैंने बात किया था कि बोर्ड ने बोला है कि इट इज़ मोर देन रेस्ट ऑफ द स्टेट बोला है, तो वील टेक दस जब रिपोर्ट को मेरा पास फाइल में आ जाएंगे तो हम लोग वील डू इट, और उसी का रियलिस्टिक में हम लोग करेंगे, विच शुड बी जेन्यून वन, और इट शुडन बी एक्सोर्बिटेंट, एंड इट शुड बी following the norms that other states are also following. Na? Yes. So unnecessary itna jada better or means public say why should anyone charge more than what they should be charged. Sir मेरा एक आखिरी सवाल है सर ना. सर आप लोग जो है एक ऑफिसर है सर, आप लोग पोल्यूशन पे करते हैं कि नहीं जो व्हीकल के लिए? पोल्यूशन तो हम लोग तो अभी आपको हम बताया, मैं तो पर्सनल लेवल में कितना बार पे कर चुका हूँ. माई वाइफ कीज पेइंग, और जब जाता है तो वो सर्टिफिकेट भी हम लोग हमेशा तैयार रखता है कि कभी उधर जाएगा तो पोल्यूशन कंट्रोल के मांगेगा कि नहीं, हम तो पे करते हैं सर. लेकिन इसमें एक एक और सवाल है, बहुत सारा स्मोक जो निकलता है एग्जॉस्ट से सर, उन लोग को भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सर, क्यों कुछ उसमें ऐसे क्राइटेरिया होता है क्या उन लोग को देना चाहिए मतलब? सी नाउ दैट बोर्ड विद बोर्ड हैज रिपोर्टेड वील सी इट, उनको जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है तो वो तो टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करके ही देना है. तो अभी तो टेस्ट करके
दे रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा अभी अच्छा से। पूरा होलिस्टिक ही हम लोग सिस्टम को रिवैम्प करेंगे इफ़ दे आर नॉट गिविंग अकॉर्डिंगली। अगर स्मोक दो या स्मोक न दो, पर टेस्ट में अगर वो पोल्यूशन निकलता है तो स्मोक दिखाई नहीं देने से भी उनको तो ये करेंगे, फाइन करेंगे ना। ना इनकेस अगर वो स्मोक दिखाई भी दो, अगर वो पोल्यूशन नहीं है तो चाहे तो नहीं करेंगे। सो दैट हैज़ टू बी सीन, वो जो जो भी है टेक्निकल चीज़ है उसको देख कर ही करेंगे। सर ये चालान चालान जो हम लोग जो आम आदमी भरते हैं ना सर, पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पे, हाँ सर, उसका जो कौन बनाता है वो चालान का फी? आप लोग ही बनाते होंगे? सी एक्चुअली नाउ टू इट इज़ बींग डन बाई द पुलिस, जो लोग रहता है, वी डोंट हैव मैन पावर फ्रॉम आवर साइड। जो इंश्योरेंस हो गया या पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, जब कभी कभी हमारा MVI का साथ में दे शुड बी चेकिंग विद आवर MVI, तो वो अभी तो पुलिस वाला ही कर रहे हैं फिलहाल तो। सर इसमें भी बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं चालान का आपका? अभी आप पोल्यूशन का हम लोग 300 देते हैं, लेकिन पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने पे वहाँ पे चालान भरा जाता है 5,000 ऐसा कुछ सर, ये तो? हाँ उसका तो देट इज समथिंग विच इज MVI Act हम लोग का 2019 में रिव्यू भी हुआ है। वो हमारा MVI Act में कितना प्रेस्क्राइब करके दिया है उसका मुताबिक तो चार्ज करेंगे। आपका पास अगर व्हीकल है, if you are lacking in any document, for that we have prescribed a rate, तो rate का मुताबिक लेंगे वो। हमको पूरा डिटेल देखना पड़ेगा कितना था एग्जैक्टली ना।